कक्षा 11 के सिलेबस में डे 46 में जिसमें गति का गति के नियम पांचवा चैप्टर चल रहा है हमारा, उसके अंदर कुछ दो तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जिनका हम आगे यूज करेंगे। उसमें पहली जो परिभाषा है वो भार, सामान्य परिभाषा कोई डाटा नहीं है। दूसरी बात करेंगे प्रतिक्रिया बल की, और इनका बहुत ज्यादा यूज करने वाले अभी हम आगे, प्रतिक्रिया बल और भार का, वेट एंड रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स को आर से लिख देते हैं और बल है दोनों, इसको कैपिटल आर से लिख देते हैं और इसको डब्ल्यू से लिख देते हैं भार को। भार क्या है? भार एक बल है जो किसी भी वस्तु पर हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। सिंपल ये समझा सकते हैं एक लाइन में कि भार क्या है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, भार क्या है? भार एक बल है जो वस्तु पर सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। बल है तो बल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बल एफ इज इक्वल टू एम ए, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहां ये भार भी क्या है? एक बल है। अगर ये कुछ भार का मात्रक क्या है, भार बल है तो भार का मात्रक भी जो मात्रक बल का है वही भार का मात्रक। क्या मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा इसका न्यूटन। और अब देखो यहां वस्तु, कोई वस्तु है उस पर नीचे की ओर जो बल कार्य करता है उसी को भार कहते हैं। अब नीचे की ओर किसके अंडर काम करता है? ये जी के अंडर काम करता है, ग्रेविटेशन के अंडर। ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण जो है वो जिस त्वरण से, जिस मान से अपने नीचे की ओर खींचता है किसी वस्तु पर बल लगाता है जिस मान से, उसे क्या कहते हैं? उसे भार कहते हैं। तो यहां पर ए का जो मान है वो किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर हो जाता है। तो यहां हम क्या पुट कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू जी पुट कर सकते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एम जी। नॉर्मली हमें तो पता है कि एफ बराबर एम ए होता है, लेकिन यहां पर हम इसको क्या लिखते हैं? एम जी लिखते हैं, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि कोई वस्तु नीचे की ओर जिस बल से आकर्षित होती है, नीचे की ओर जिस बल से खींची जाती है, उस बल को ही भार कहते हैं। लेकिन विशेषता है भार हमेशा किधर काम करता है? नीचे की ओर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई वस्तु लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी, आगे के पूरे चैप्टर को समझने के लिए सारे इसी पे बेस्ड है सारी बातें। भार हमेशा किधर काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा, नीचे की ओर, क्योंकि जी किधर काम करते हैं? नीचे की ओर। कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो भी उस पर जी नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर जा रही है तो भी जी नीचे ही लग रहा है उस पर। ये बात ध्यान रखिए, कोई वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो भी जी हमेशा किधर लग रहे हैं? नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्व त्वरण इसे क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर इसे खींचता है। जिससे हमने बहुत तेज गति से, तेज बल से भी फेंक दिया तो भी पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि जब कोई नीचे खींच रहा है तो उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसलिए वो क्या होती रहेगी? धीरे से होती रहेगी और अंत में जाके रुक जाएगी और वापस किधर आ जाएगी? नीचे की ओर आ जाएगी। तो अगर ऊपर फेंक रहे तो भी ये बात में कि आएगी किधर? नीचे ही आएगी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हमेशा भार जो है वो हमेशा ये ध्यान रखना है किधर काम करते हैं, नीचे की ओर कार्य करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम डायरेक्शन यूज करेंगे आगे के डोमेन्स में, तब हम हमेशा जब भी डब्ल्यू लेंगे तो डब्ल्यू का ध्यान रखना है। डब्ल्यू पहली बात तो एक बल है, इसको हम एफ भी लिख देंगे तो भी कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि फोर्स है ये, तो इसको बल लिख देंगे। फोर्स कैसा? अंडर ग्रेविटेशन फोर्स है ये। और इसको क्या लिखेंगे? एम जी लिखेंगे, एम जी। हमेशा इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? नीचे की तरफ होगी, ठीक है, डाउनवर्ड होगी। अब बात लेते हैं प्रतिक्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल क्या है? कोई भी वस्तु जो है अगर उसको किसी सतह पर रखा गया है, किसी सतह पर, किसी भी धरातल पर, किसी भी सतह पर रखा गया, कहीं पर भी रखा गया है, तो उस सतह के लंबवत बल कार्य करता है ऊपर की ओर, सतह के लंबवत। इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना है कि ये बल किधर काम करता है? हमेशा सतह के लंबवत काम करता है। अब सतह तो टेढ़ी भी हो सकती है, किसी कोण पर झुकी भी हो सकती है, तो वहीं से ही हमें लंबवत लेना है। इस वर्ड का जरूर ध्यान रखना है, ये इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जिससे हम उसकी सही डायरेक्शन बता सकते हैं रिएक्शन फोर्स की किधर होगी। रिएक्शन फोर्स भार के बराबर हो सकता है, भार के बराबर हो सकता है, मोस्टली होता है अगर सतह प्लेन हो,
तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की बात कर ले, प्रतिक्रिया बल होता क्या है, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है किसी सतह पर रखा जाता है तो सतह के लंबवत भार के विपरीत भी कह सकते हैं, सतह के लंबवत ऊपर की ओर भार नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्यरत बल क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। अब देखो ये कैसे कैसे लगता है, ये हमें ध्यान रखना है इसके लिए। जैसे एक स्थिति हम ले रहे हैं, ये कोई वस्तु जैसे अभी हमने ली थी भार में, वही वस्तु है ये, किसी सतह पर रखी गई, ये सतह जहां पर रखी गई कोई फर्श है, फर्श पे मान लो कोई टेबल रखी है, कोई बक्सा रखा है, कोई संदूक रखा है, कोई सूटकेस रखा है, कुछ भी रखा है, कोई बॉल रखी है, तो उसी स्थिति में उसका भार किधर काम कर रहे हैं, नीचे की ओर, क्या काम कर रहे हैं, mg। ये हमने बात कर ली यहां वही है। दूसरी बात, अब इस पे प्रतिक्रिया बल क्या होगा, प्रतिक्रिया बल इस भार के विपरीत कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है लेकिन सतह के लंबवत कार्य करता है, तो ये तो अभी सतह, इस सतह के लंबवत ठीक ऊपर की ओर कार्य करता है रिएक्शन फोर्स। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया बल भार के बराबर होगा, यानी जितना भार नीचे की ओर लग रहा है उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है। नॉर्मली जब हम वेट करते हैं, हमारा भार तोलते हैं, तब भी यही कंडीशन होती है, क्योंकि हमारा mg तो हमेशा हमारा नीचे की ओर काम कर रहा है, तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है और वही उस मशीन में, डिजिटल मशीन में लिखा आता है जो हम देखते हैं नॉर्मली। तो यहां से इस स्थिति में ये भी कह सकते हैं कि आर और एम जी विपरीत 180 डिग्री कोण बन रहा है या दोनों के अंदर, तो क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एम जी बराबर जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, बक्सा कहीं हिलता नहीं है वहीं रखा है, तो जितना प्रतिक्रिया बल नीचे, सॉरी जितना भार नीचे लग रहा है उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है। इस स्थिति में आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी इधर आएगा, तो आर इज इक्वल टू एम जी होगा इन दिस नॉर्मल केस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस नॉर्मल केस में क्या होगा, भार जो है वही प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा, यानी आर एम जी के बराबर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर समय क्या रहे, तल जो है वो समतल रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि तल जो है वो किसी कोण पर झुका हो, और नॉर्मल हम खूब देखते हैं ऐसा हमारे घरों में, घर के जो बाहर बाइक अंदर करने के लिए, कार अंदर करने के लिए हम एक स्लोप बनाते हैं, स्लोप ढाल बनाते हैं, ढलान बनाते हैं, ढलान, और वो ढलान क्या होती है, किसी कोण पर झुकी रहती है, उसमें थीटा का मान कम हो, नॉर्मल कम ढलान हो तो हमें गाड़ी चलाने में ज्यादा जोर नहीं आता है, और अगर ऐसी ढलान हो तो गाड़ी को चढ़ाने में ज्यादा जोर आता है। क्यों आता है वो भी अभी हम बात करेंगे, उसमें वो सारा रिएक्शन फोर्स के कारण होता है वहां पर। जैसे नॉर्मली ये बात कर ले, हम इस तरह से तल रहे हैं, अब ऐसे तल पर क्या रहते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी देर स्थिर अवस्था में रहेगी वो डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, कौन सी वस्तु इस पर गति करेगी। यहां पर अगर हम बॉल रखें, बॉल रख दें यहां पर, बॉल रखें यहां, तो वो यहां नहीं रुकेगी वो बॉल, हमें पता है, देखते हैं नॉर्मली, बॉल छोड़ दे किधर जाएगी, वो नीचे की ओर जाएगी और जमीन पे पहुंच जाएगी, इस समतल पे, ये समतल है, यहां पहुंच जाएगी, सतह पर यहां पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कोई कार्टून रख दें, कोई बक्सा रख दें, कोई सूटकेस रख दें, तो हो सकता है वो यहां पर स्थिर अवस्था में भी रह जाए, तब हम क्या कहते हैं भाई, इसका तो वेट ज्यादा है। दूसरी बात, इसकी जो सतह होती है, सतह का ज्यादा क्षेत्रफल उस सतह को टच कर रहा है, तो उस कारण भी क्या होता है, वो स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। अब अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रिया बल की, बाकी बातें आगे बात भी करेंगे इसमें डिटेल से,
यहां पर रखा है, मान लो वही ये वस्तु जो है ऐसी बक्सा जो है वो यहां रखा गया है। अब यहां पर भार हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, तो भार इधर काम नहीं करेगा, नीचे की ओर का मतलब स्ट्रेट काम करेगा भार हमेशा, mg हमेशा इधर काम करेगा। इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से समझ लें तो नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत दिक्कत आएगी। अभी हम घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसके बाद में वाहनों की गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्ताकार मोड़ पर गति करते हैं बाइक कार, तो फिर वाहन किस तरह से बल का कार्य करते हैं, कितनी बाइक जो है वो किस स्पीड से, गाड़ी किस स्पीड से चल सकती है वहां, उसके लिए फॉर्मूला, सुरक्षित चाल के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए रिएक्शन फोर्स, बाकी सारी बातें यूज होंगी भी इसलिए, और वहां इन चीजों का जिक्र नहीं करेंगे दोबारा, हम केवल ये बात करेंगे आर इधर लग गया एम जी इधर लग गया, तो फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर वहां पता नहीं चलेगा किधर आर जा रहा है किधर एम जी जा रहा है किधर किधर एफ घर्षण बल किधर लग रहे हैं, ये सब चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो यहां से देखें हमें ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि किसके किसके डायरेक्शन में काम कर रही है, सतह के लंबवत। अब हमें देखना कि सतह क्या और है, सतह जहां पर कोई वस्तु रखी है वो है सतह, तो वस्तु यहाँ रखी है तो ये है सतह, ये सतह इस सतह के लंबवत, इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको अगर हम ऐसे कर दे तो 90 डिग्री का कोण थोड़ी बढ़ेगा, ये तो कोई और 45-40-45-50 डिग्री का कोण बढ़ेगा, इसीलिए सतह के लंबवत इधर काम करेगा क्या, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स इधर काम करे। अब देखो यहां अब कोई वस्तु जो है वो इधर खिसकाने में हमें कमजोर आता है, अगर वही बक्सा वही कार्टून हमें यहां रखा है सतह पर रखा है फर्श पे रखा है और हम उसको धक्का दे रहे हैं तो हमें ज्यादा जोर आएगा, यानी हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वही कार्टून वही बक्सा अगर हम यहां रख दें और फिर इधर से धक्का दें अगर हम, तो हमें क्या होगा, कमजोर आएगा, धक्का देने वाले भी हम हैं बल भी हम उतना लगा रहे हैं तो ये ज्यादा तेजी से गति करेगा, उतनी तेजी से गति करवानी है तो हमें बल कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा, सिंपल ये कह सकते हैं भाई गति करवाने में सिंपल जो प्लेन फर्श है उस पर ज्यादा जोर आएगा, ऐसे ढलान पे जोर कम आएगा, बल हमें कम लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा भैया, क्यों लगाना पड़ेगा। आर इधर आर के विपरीत देखें तो ये दिशा आएगी, आर के विपरीत देखें तो ये दिशा आएगी, जब भी हम आर इज इक्वल टू एम जी ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री कोण पर होते हैं तब लेते हैं हम आर बराबर एम जी, क्योंकि 180 डिग्री मतलब विपरीत दिशा में है तो बीच में क्या आएगा माइनस आर माइनस एम जी बराबर जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं कोई गति नहीं हो रही है। लेकिन यहां क्या होता है, यहाँ एम जी जो है एम जी के एम जी इस सतह से कोण बढ़ा रहा है कितना पता नहीं है, उसको मान लेते हैं कितना है थीटा है, तो एम जी के कितने घटक हो जाते हैं, एम जी बोल रहे हैं भार को बोल रहे हैं, ठीक है एम जी के कितने घटक हो जाते हैं, यहाँ दो घटक हो जाते हैं, दो कंपोनेंट हो जाते हैं साइन घटक और कोस घटक, इनकी डिटेल से बात हम पहले कर चुके हैं, साइन घटक और कोस घटक। कोस घटक कौन सा होता है, जो क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज होता है जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वो कोस घटक होता है। साइन घटक कौन सा होता है, जो क्षैतिज के ठीक 90 डिग्री पर उस साइड में, जिस साइड में जो वैल्यू है जिसके कंपोनेंट लिए हैं उस साइड, तो इसका ये जो घटक है ये कौन सा होगा, एम जी कोस ऑफ थीटा, क्योंकि कोण थीटा बनता है। एम जी के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े, जिससे प्रक्षेप गति में वेग लेते हैं यू, तो यू कोस थीटा क्षैतिज और यू साइन थीटा और दो अदर, तो हर जगह जहां पर कोण आ जाता है तो कोई भी सदिश राशि है तो उसके दो घटक दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक उसका क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक उसका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक क्या है, एम जी कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लेना है, ठीक 90 डिग्री पे। अब इस पॉइंट पे 90 डिग्री तो इधर भी हो सकता है, इसका 90 डिग्री इसका 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री अगर हम इधर लेंगे तो ये 90 डिग्री तो बन रहा है, लेकिन हमें जिसके टुकड़े किए हैं उसी साइड में लेना है ताकि उसके उसी के दो भाग हमने कर दिए क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो वो भाग के बीच में है, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं चैप्टर में। तो इसका 90 डिग्री का ये घटक किधर लगेगा, इधर आएगा, ये कौन सा घटक है, एम जी साइन थीटा। अब एम जी क्या है, बल है एम जी बल, और बल का घटक होगा एम जी साइन थीटा,
एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी साइन थीटा। थीटा क्या है, कोण है, जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया ना, तो जितना बल इधर लग रहा है, जितना भार है वस्तु का, उसका 50% अगर 30 डिग्री है झुकाव, तो उसका 50% बल ऑटोमेटिकली लग जाएगा, किसी को धक्का लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही बल इसको खिसकाने के लिए चाहिए, तो इतना तो अपने आप ही लग गया, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये वस्तु इधर गति करने लग जाएगी। और जब हम बल लगा रहे हैं, हमारा बल लगा रहे हैं, तो इतना बल तो इसका वस्तु का भार जो है वो भी बल का काम करेगा, उसको गति करवाने के लिए काम करेगा यार। तो कुछ तो वस्तु का खुद का भार जो वही गति करवाने के लिए काम करता है। जैसे हम भी अगर ऐसी सतह पर अगर चलते हुए आए, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है वो भी उसका भी साइन घटक की तरफ लेके जाता है, हमें आगे की ओर लेके जाता है। तो कुछ फोर्स तो हमारी बॉडी खुद ही लगा देती है, ये भी तो एक बॉडी है, एक वस्तु है, तो कुछ फोर्स तो ये वस्तु ही लगा देती है, और थोड़ा फोर्स हमें हमने लगा दिया, यानी हमें अब क्या हुआ, हमें कम फोर्स लगाना पड़ा, इस साइड फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह से इसके घटक हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। अभी हमें रिएक्शन फोर्स समझना है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत जगह यूज होता है। प्रतिक्रिया बल का मतलब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सतह है, उस सतह के लंबवत जो बल कार्य करता है, उसको ही प्रतिक्रिया बल कहते हैं। सतह ध्यान रखें आप, कैसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कैसी भी। अगर मान लो कोई सतह ऐसी है, ऐसी है कोई सतह, यहां पर कुछ रखा गया है, तो प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा। कोई सतह सिंपल है, जैसा लिया है हमने ऊपर, यहां कुछ रखा है तो ऐसे लगेगा। कोई सतह बिल्कुल ऐसे है, यहां पर कुछ वस्तु आपने लटका दी, टांग दी, चिपका दी, तो उसका प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा। तो सब चीजें डिपेंड किस पे करेगी, जहां पर वस्तु रखी गई है वो सतह कैसी है, उस सतह के, उस सरफेस के ठीक 90 डिग्री पर जो फोर्स काम करता है अपोजिट टू वेट, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। तो डेफिनेशन तो कोई ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है, अगर ये पता चल जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, घर्षण बल बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें फिर हम आर और इनकी बात करेंगे, एम जी की बात करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।